देखो, हमने बात की अबाउट कोएगुलेटिव पावर और कोएगुलेशन पावर की ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहीं पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, कोएगुलेशन वैल्यू। तो लिखो हेडिंग, कोएगुलेशन वैल्यू। ये कोएगुलेशन वैल्यू भी किसके लिए डिफाइन होगी? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अभी पर्पस क्या है कि किसी सोल को कोएगुलेट करवा देना, तो इलेक्ट्रोलाइट की मदद से कराते हैं यूजुअली। तो इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल दैट शुड बी एडेड तो इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल दैट मिलीमोल में याद रखना, ये मोल में नहीं है, मिलीमोल। तो इट इज द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल दैट शुड बी एडेड इन 1 लीटर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन टू कंप्लीटली कोएगुलेटेड। तो इट इज द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल दैट शुड बी एडेड इन 1 लीटर ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन टू कंप्लीटली कोएगुलेट इट। 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन में कितना अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का मिलाएं कि वो कंप्लीटली कोएगुलेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड कोएगुलेशन वैल्यू। ऑब्वियसली किसी इलेक्ट्रोलाइट का कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा होगा तो कोएगुलेशन पावर कम होगी। अरे अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट कौन माना जाएगा जो बहुत थोड़ा सा मिलाने पर भी बहुत सारे कोलॉइड को कोएगुलेट करवा दे? तो इसका मतलब कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा तो कोएगुलेशन पावर कम। तो वी कैन से दैट कोएगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू। तो लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो जो जितना ज्यादा, जिसकी कोएगुलेशन वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट होगा फॉर कोएगुलेशन। तो ये गाइस, ये था मीनिंग ऑफ कोएगुलेशन। कोएगुलेशन के बारे में बात कर ली, अब बात करेंगे प्रोटेक्टिव कोलॉइड के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड के बारे में। तो लिखो इसमें हेडिंग, प्रोटेक्टिव कोलॉइड। अब यहीं पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं, सर कभी तो आप कोएगुलेट करवा रहे हो, कभी कोएगुलेशन से बचाने के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हो कोलॉइड को। देखो, अलग अलग वक्त पर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कभी तो हम चाहते हैं कि भाई सोल को कोएगुलेट करवा दें, और कभी चाहते हैं कि सोल को कोएगुलेट होने से बचाएं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नहीं, फ्रॉम द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फिर सुन लो पूरी बात। कोएगुलेशन का मतलब सोल को अनस्टेबल करना, सोल के पार्टिकल्स को चिपका चिपका करके उनको अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सेटल डाउन करवा देना, पीपीडी बनवा देना, दैट इज कॉल्ड कोएगुलेशन। कई बार पर्पज होता है कि हम सोल को कोएगुलेट करवाएं, कई बार पर्पज होता है कि हम कोएगुलेशन होने से बचाएं। तो उसके लिए हमें जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स हैं वो मिलाने पड़ते हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए और कौन होते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स? जनरली अनस्टेबल कौन होते हैं? लायोफोबिक। हाईली स्टेबल कौन होते हैं? लायोफिलिक। लायोफिलिक कोलाइड्स आर मच मोर स्टेबल देन लायोफोबिक एंड कैन एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो पॉइंट वाइज लिखते जाओ, लायोफिलिक कोलाइड आर मच मोर स्टेबल देन द लायोफोबिक कोलॉइड्स एंड हेंस लायोफिलिक कोलॉइड एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड। ये प्रोटेक्टिव कोलॉइड के रूप में वर्क करते हैं। अब लायोफोबिक सोल्स जो होते हैं वो थोड़े अनस्टेबल होते हैं, आसानी से कोएगुलेट हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर। तो अगर उसमें थोड़ा सा लायोफिलिक कोलॉइड, जिन्हें हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड मिला रहे हैं, वो अगर मिला दें तो कोएगुलेशन विल बिकम स्लो और कैन बी स्टॉप्ड। तो लिखो, तो व्हेन अ लायोफिलिक
colloid is added as protective colloid. Into lyophilic colloid and a protective layer of lyophilic colloid is formed outside the lyophilic colloid. Now, electrolyte is not able to coagulate lyophobic colloid and colloid is said to be protected. नीचे से कट तो नहीं गया, कटा नहीं होगा. सुन लो क्या बात कह रहे हैं हम. ये कह रहे हैं कि lyophilic colloids are much more stable than lyophobic colloids and hence lyophilic colloids act as protective colloid. ठीक है. तो when a lyophilic colloid is added into the protective or added as protective colloid into the lyophobic colloid. Lyophobic. Correction करो. बिल्कुल. तो when a lyophilic colloid is added as a protective colloid into the lyophobic colloid, a protective layer of lyophilic colloid is formed outside the lyophobic colloid. Outside the lyophobic colloid. Now electrolyte is not able to coagulate the lyophobic colloid and now protection is done. तो एक तरीके से ultimately यहाँ तीन agencies हैं. ये पूरी बात note करो पहले. Note it down. तो यहाँ पर हम क्या बात कह रहे हैं कि कई बार हम colloids को coagulate होने से बचाना चाहते हैं तो क्या मिला देते हैं, थोड़ा सा lyophilic colloid मिला देते हैं into the lyophobic colloids. लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होते हैं, वो लायोफोबिक कोलॉइड्स के अराउंड एक फिल्म बना लेते हैं, एक सरफेस बना, सरफेस पर एक कोटिंग कर लेते हैं और प्रोटेक्टिव लेयर जब बन जाती है तो जब इलेक्ट्रोलाइट अटैक करेगा तो उसे पहले किससे होकर गुजरना पड़ेगा, लायोफिलिक कोलॉइड्स से. और लायोफिलिक कोलॉइड्स आसानी से कोएगुलेट नहीं होते, वो कोएगुलेट होने से बचाते हैं. तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड लायो फिलिक कोलॉइड्स या प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स कौन कौन से हैं, दैट वी कैन सी. तो जैसे जिलेटिन प्रोटेक्ट्स गोल्ड सोल क्या है, लायोफोबिक कोलॉइड. तो जिलेटिन प्रोटेक्ट्स गोल्ड सोल फ्रॉम कोएगुलेशन from coagulation on the addition of NaCl solution. NaCl कौन है, electrolyte solution. तो electrolyte coagulation cause करेगा, NaCl gold sol को coagulate कर देता है. और मगर gold sol को अगर coagulation होने से बचाना है तो जिलेटिन मिलाते हैं एंड जिलेटिन एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड, अ वेरी इफेक्टिव प्रोटेक्टिव कोलॉइड. तो ये काफी इफेक्टिव प्रोटेक्टिव कोलॉइड है. तो इसका मतलब ये जो लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं इनकी प्रोटेक्टिव पावर किसी टर्म में डिफाइन होनी चाहिए एंड दैट इज अ टर्म कॉल्ड गोल्ड नंबर. तो गोल्ड नंबर डिफाइन करते हैं. तो यहां पर एक गोल्ड नंबर डिफाइन करते हैं, अ प्रोटेक्टिव पावर
लायोफिलिक कोलॉयड, इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर. व्हाट इज गोल्ड नंबर? हेडिंग लिखो गोल्ड नंबर. हाँ, लेकिन ये गोल्ड नंबर एनसीईआरटी मेंशन नहीं करता, डायरेक्टली क्वेश्चन भी नहीं आता, बट बहुत बेसिक सी बात है, यू शुड अंडरस्टैंड. तो प्रोटेक्टिव पावर ऑफ द लायोफिलिक कोलॉइड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड नंबर. डिफाइन करें, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम. लिखना बहुत पड़ेगा इसमें, लिखो जैसे मैं लिखते जा रहा हूं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ टेन एम एल ऑफ गोल्ड सोल when 1 ml 10% NaCl solution is added to it. जरा इसका मीनिंग समझ लो. जैसे मान लो, ये मैं समझाने के लिए आपको बताता हूं कि ये आपके पास मान लो एक 10 ml गोल्ड सोल है, 10 ml गोल्ड सोल. इसमें आप अगर 1 ml 10% NaCl मिला दो तो कोएगुलेशन ना हो तो उसके लिए हाउ मच मास ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड कितना मिलाना है. इन मिलीग्राम, दैट इज कॉल्ड गोल्ड नंबर. लिखो पहले यहां तक की बात, नोट इट डाउन. गोल्ड नंबर किसका कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज द गोल्ड नंबर किसके लिए डिफाइन होता है? फॉर प्रोटेक्टिव कोलॉइड. और प्रोटेक्टिव कोलॉइड कौन होते हैं? लायोफिलिक कोलॉइड्स, बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल प्रोटेक्टिव कोलॉइड. तो कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम. मिलीग्राम का ध्यान रखना. रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ द 10 ml ऑफ द गोल्ड सोल व्हेन 1 ml 10% ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज एडेड टू इट. जैसे सिंबॉलिकली शो किया मैंने, आपके पास 10 ml गोल्ड सोल है. ऑफ कोर्स गोल्ड सोल इज अनस्टेबल है. क्यों? लायोफोबिक सोल है. मेटल सोल्स आर रिलेटिवली अनस्टेबल, लायोफोबिक सोल्स. इसमें अगर 1 ml 10% NaCl मिला दो, तुरंत कोएगुलेशन हो जाएगा गोल्ड सोल का. क्योंकि गोल्ड सोल आर जनरली नेगेटिवली चार्ज्ड, तो वो सोडियम प्लस को खा जाएंगे और न्यूट्रल बन जाएंगे. और गोल्ड के एटम अगर न्यूट्रल हो गए तो दे विल स्टार्ट एग्रीगेटिंग थ्रू द वीक वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस, चिपकने शुरू हो जाएंगे. और लार्जर ग्लोब्यूल होते दे विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. तो ये NaCl कोएगुलेट करा देगा सोल को, गोल्ड सोल को. कोएगुलेशन ना हो उसके लिए थर्ड एजेंसी मिलाई हमने, कौन? मास ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम. तो प्रोटेक्टिव कोलॉइड जैसे जिलेटिन मिला सकते हो, जिलेटिन इज वेरी इफेक्टिव प्रोटेक्टिव कोलॉइड. वो कितना मास मिलाए इन मिलीग्राम सो दैट कोएगुलेशन डज नॉट अकर, कोएगुलेशन गेट्स स्टॉप्ड, नो कोएगुलेशन अकर्स, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव, दैट इज कॉल्ड गोल्ड नंबर. तो तीन एजेंसीज कौन सी हैं? गोल्ड सोल. कई बार जैसे मतलब ये तो ऐसी समझाने के लिए है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं. जैसे कई बार वो हिंदी सिनेमा देखते हैं ना, तो उसमें जैसे कोई विलेन होता है, एक हीरोइन होती है, एक हीरो होता है. तो विलेन जो है वो मान लो हीरोइन पे अटैक कुछ करता है. अब अटैक तो करते, मतलब वो तो तुम जानते हो, समझते हो. तो मतलब गोल्ड सोल है, ये हीरोइन है. अटैक कौन कर रहा? विलेन कौन है? NaCl. तो हीरो कौन? हीरो है प्रोटेक्टिव कोलॉइड लाइक जिलेटिन. तो हीरो बचाएगा हीरोइन को फ्रॉम द अटैक ऑफ कौन? विलेन.
आ रही बात समझ में? पुरानी पिक्चरों में देखो तो कुल मिलाकर के मान लो जैसे हीरोइन हो गई मान लो हेमा मालिनी जी, विलेन हो गए एक से एक बड़े वाले थे पहले कौन, जैसे अमरीश पुरी, ओम पुरी, गुलशन ग्रोवर, कल्लू कल्लन कालिया, और हीरो हो गए मान लो धर्मेंद्र साहब। धर्मेंद्र धर्मेंद्र थोड़े से स्ट्रांग थे ना हीरो, तो मारते कूटते भी थे तो लगता था यार बहुत कूटा है। जैसे सन्नी देओल है ना, वो 2.5 किलो का हथौड़ा वाला हाथ उसका, वो फीलिंग आती है जैसे कई बार। हालांकि मैं तो कम देखता हूँ मूवीज, टाइम थोड़ा कम मिलता है, बट पहले देखता था। तो मतलब कहने का मतलब ये है, टू प्रोटेक्ट द गोल्ड सोल फ्रॉम कोएगुलेशन व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड यू विल हैव टू ऐड अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, लायोफिलिक कोलॉइड लाइक जिलेटिन एंड मास इन मिलीग्राम दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द 10 ml ऑफ द गोल्ड सोल फ्रॉम द अटैक ऑफ 1 ml 10% ऑफ एनसीएल इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। समझ में आ गई बात? अच्छा, जितना गोल्ड नंबर कम होगा, मतलब जितना कम मास मिलाने पे प्रोटेक्ट हो जाएगा, जितना गोल्ड नंबर कम होगा इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलॉइड विल बी मोर। लिखो इस बात को, नोट इट डाउन। तो लोअर इज द गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, ग्रेटर विल बी इट्स प्रोटेक्टिव पावर। तो प्रोटेक्टिव पावर उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे सम एग्जांपल्स, जैसे जिलेटिन, उसका गोल्ड नंबर कुछ ऐसा है। जिलेटिन का 0.005 से 0.01, हेमोग्लोबिन एंड द गोल्ड नंबर इज 0.032 0.07, एगल्बमिन एंड दैट इज 0.12 0.2, गमराबिक 0.15 टू 0.25, स्टार्च 20 to 25। तो गाइज ये थे, तो ध्यान से देखो, गोल्ड इज वेरी इफेक्टिव प्रोटेक्टिव कोलॉइड, ये याद रखना है। जैसे गोल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है, और ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आइसक्रीम है। आइसक्रीम कोलॉइड को प्रोटेक्ट करने के लिए जिलेटिन मिलाते हैं। तो लिखो, जिलेटिन इज एडेड जिलेटिन इज एडेड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम टू प्रोटेक्ट द पार्टिकल्स ऑफ आइस। टू प्रोटेक्ट द पार्टिकल्स ऑफ आइस, तो जिलेटिन इज एडेड। अच्छा, कई बार ऐसा लगता है कि आइसक्रीम जो है वो तो वेजिटेरियन है, मिल्क की बनी हुई है, बट मोस्टली आइसक्रीम के कोलॉइड को, पार्टिकल्स ऑफ आइस को प्रोटेक्ट करने के लिए जिलेटिन मिलाते ही हैं। और जिलेटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स। मतलब एनिमल सोर्स का मतलब, तो एक तरीके से कई बार ऐसा लगता है कि आइसक्रीम कोई वेजिटेरियन थोड़ी है, पर ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम खाना छोड़ दो आप उसके नाम पर। अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। अब ऐसे तो दही नहीं खाते लोग, उसमें कहते हैं बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, जिसके कारण मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू द, जो वेगान होते हैं वो कई बार नहीं भी खाते हैं, वो केवल वेजिटेबल्स ही खाते हैं। तो जो वीगान होते हैं वो नहीं खाते, बट ठीक है। मतलब एक जनरल बात बताई कि जिलेटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्सेस विच इज एडेड एज ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड टू प्रोटेक्ट द
कोलाइड पार्टिकल्स ऑफ आइस इन आइसक्रीम। तो ये एक एग्जाम्पल था, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कि जिलेटिन का यूज बहुत कॉमनली किया जाता है। देखो कोलाइडल पार्ट इज अबाउट टू एंड, हम एड्सॉर्प्शन पढ़ चुके हैं, कोलाइडल हो गया, कोलाइडल में छोटा सा बाकी है एक इमल्शन। मैंने कहा भी था मेनली वी हैव टू स्टडी सोल एंड इमल्शंस, तो लेट अस टॉक अबाउट इमल्शन। इमल्शन के बहुत ब्रीफ में जितना एनसीईआरटी में मेंशन है, ये नोट करिए पहले पूरी बात। Emulsions आप जानते हो लिक्विड एंड लिक्विड, डीपी लिक्विड, डीएम लिक्विड। तो सोल ऑफ लिक्विड डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स स्प्रेड इनटू द लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम। एग्जांपल्स, अच्छा ये अनस्टेबल होते हैं, दे आर लिक्विड इन लिक्विड, इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल, पार्शियली मिसिबल कंपोनेंट्स। ऑब्वियसली अनस्टेबल हैं, अनस्टेबल एंड रिक्वायर्स स्टेबिलाइजर। अच्छा एग्जाम्पल, ये भी दो टाइप के हैं, टाइप इमल्शंस दो टाइप के, कौन, ऑयल इन वाटर टाइप, जिन्हें हम ओ डब्ल्यू टाइप बोलते हैं, जिनका एग्जाम्पल मिल्क, वैनिशिंग क्रीम, मिल्क वैनिशिंग क्रीम। मिल्क तो आप जानते ही हो, मिल्क के अंदर लिक्विड फैट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर। लिक्विड फैट ऑर्गेनिक नेचर का है, वाटर के अंदर घुलता नहीं है, तो एक तरीके से इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर हुआ। बट कैसीन इज एडेड एज ए स्टेबिलाइजर टू स्टेबिलाइज मिल्क। वैनिशिंग क्रीम, सर्दियों में कई बार क्रीम लगाते हैं ना हाथ पे, मॉइस्चराइजर, नीविया का, पॉन्ड्स का, तो ये वैनिशिंग क्रीम क्यों, वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है लगाने के बाद। वैसे तो सफ़ेद सफ़ेद क्रीम दिखेगी, हाथ पर लगाया मॉइस्चराइज हो गया और वो क्रीम गायब हो गई, तो वैनिशिंग क्रीम बोलते हैं। पॉन्ड्स की आती है निविया, निविया की स्पेलिंग मान लो एन आई होगा, निविया, ये इनकी क्रीम्स आती हैं, वैनिशिंग क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स। तो ये होता जैसे मिल्क है, टू स्टेबलाइज मिल्क प्रोटीन कैसीन, कैसीन में यही हुआ सी ए, कैसीन इज प्रेजेंट एज इमल्सिफायर। ये मैं बता चुका हूं जब हम एसोसिएटेड कोलॉइड्स या मिसाइल्स पढ़ रहे थे, तो टू स्टेबिलाइज मिल्क प्रोटीन कैसीन इज प्रेजेंट एज इमल्सिफायर। इमल्सिफायर वो है जो दोनों कंपोनेंट्स को पकड़ के रखता है और स्टेबिलाइज करके रखता है। दूसरे होते हैं वाटर इन ऑयल टाइप, डब्ल्यू ओ टाइप। तो वाटर इन ऑयल टाइप, जैसे एग्जांपल इसके होते हैं बटर, जेई ने पूछा हुआ है इस पे क्वेश्चन, तो बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। और भी क्रीम्स होती हैं, जनरल क्रीम्स जो भी होती हैं, दे कम इनटू, जैसे हेयर क्रीम, हेयर क्रीम कम इनटू दिस कैटेगरी। तो गाइज ये है एग्जाम्पल्स ऑफ इमल्शंस। इमल्शंस में बस इतना ही याद रखना है, लास्ट में इमल्शंस के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना हो तो वी कैन डू बाय सिंपली बॉइलिंग, फ्रीजिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। ये पुनः नोट करो पहले पूरी बात, एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है साथ में।
कॉम्पोनेंट्स ऑफ इमल्शन कैन बी सेपरेटेड बाय फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन और फ्रीजिंग और बॉयलिंग. तो बाय बॉयलिंग, बाय फ्रीजिंग और बाय सेंट्रीफ्यूगेशन कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड आउट. आप जानते भी हो, दूध को अगर मथते हैं, मतलब व्हर्लिंग मोशन देते हैं, सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, तो लिक्विड फैट ऊपर आ जाता है और पानी जिसे हम बटर मिल्क बोलते हैं वो नीचे रह जाता है. तो टू कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड आउट. तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं इमल्शंस. हो गया इमल्शंस. अब बात करते हैं एनसीईआरटी में मेंशन भी है दो तीन पॉइंट्स, जैसे डेल्टा फॉर्मेशन क्या होता है, कॉटरल प्रेसिपिटेटर क्या है, चिमनी में यूज करते हैं. तो इस तरह के पॉइंट्स और हैं. तो लिखो कॉलॉइड्स अराउंड अस एंड एप्लीकेशंस. अराउंड अस एंड एप्लीकेशंस. मैंने पहले भी बताया था हमारे सराउंडिंग में सब कुछ तो कॉलॉइड्स है. मिल्क कॉलॉइड है, आइसक्रीम कॉलॉइड है, स्मोक कॉलॉइड है, डस्ट कॉलॉइड है, पेंट्स जितने यूज करते हैं दे आर ऑल कॉलॉइड्स. मोस्ट ऑफ द फूड वी कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ सूप, लिक्विड एंड ऑल दैट, दे आर ऑल कॉलॉइड्स. ट्रू सॉल्यूशन तो बड़े गिने चुने हैं भैया. तो एवरीथिंग वी डील विद इज ऑल अबाउट द कॉलॉइड्स. बट यहाँ पर हमारे लिए सिलेबस में सरफेस केमिस्ट्री में जो कॉलॉइड्स पढ़ते हैं, ओनली वी हैव टू लर्न द डेफिनेशंस जो हमने यहाँ सीखी हैं. बाकी एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है. तो ये जैसे आर्टिफिशियल रेन, मैं सारे एप्लीकेशंस नहीं ले पाऊंगा यहाँ पर, वो कई सारे हैं पॉइंट्स, एक बार जरूर पढ़ें आप. तो जैसे आर्टिफिशियल रेन, अब क्लाउड होते हैं, क्लाउड मतलब क्या, लिक्विड वाटर इज डिस्पर्स्ड और स्प्रेड इन टू द एयर. तो लिक्विड इन एयर कॉलॉइड इज क्लाउड. तो क्लाउड को एक तरीके से आपको बारिश में कन्वर्ट करवाना है, तो इलेक्ट्रीफाइड सैंड इज यूज्ड. तो इलेक्ट्रीफाइड सैंड और AGI इज स्प्रेड ओवर क्लाउड्स बाय एरोप्लेन टू कॉज कोएगुलेशन ऑफ क्लाउड. क्लाउड है क्या, लिक्विड वाटर डीपी इन एयर डिस्पर्शन मीडियम. यही तो है, लिक्विड वाटर इज स्प्रेड इन टू द एयर. तो लिक्विड वाटर जो है डिस्पर्स्ड फेज हो गया और एयर डिस्पर्शन मीडियम है. आप क्लाउड्स को ऊपर जाकर के इलेक्ट्रीफाइड सैंड या AGI स्प्रे कर दो, दीज इलेक्ट्रोलाइट्स विल कॉज द कोएगुलेशन, डाउनपोर या बारिश हो जाएगी. यही तो पर्पस था आर्टिफिशियल रेन का. देन फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा में जब कई बार रिवर सी से मिलती है, समुंदर के पानी से, रिवर जब पानी जब समुंदर से पानी से मिलता है, तो लॉट ऑफ सॉलिड डिपॉजिट्स आर एक्युमुलेटेड कोएगुलेटेड एंड दैट इज कॉल्ड डेल्टा फॉर्मेशन. क्यों, रिवर वाटर कंटेन कोलॉइड्स एंड व्हेन मीट विद सी वाटर विच कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, NaCl एटसेट्रा, कोएगुलेशन अकर्स एंड सॉलिड डिपॉजिट्स accumulate called delta formation. जरा समझ लो बात को.
नदियां तो शहरों गांव से होके पास हो रही हैं और ऑब्वियसली हम इंसान हैं उसे पॉल्यूट कर रहे हैं, तो लॉट ऑफ वेस्ट इज पुट इनटू द रिवर वाटर और रिवर वाटर में कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं और जब ये नदियों का पानी जाकर के समुद्र में गिरता है तो समुद्र में तो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो ये कोएगुलेट करा देते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन रिवर, तो रिवर के पानी में कोलोइडल पार्टिकल्स का कोएगुलेशन हो जाता है, तो जहाँ पर नदियाँ गिरती हैं समुद्र में वहाँ खूब बड़े एरिया में डेल्टा फॉर्मेशन हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है सॉलिड डिपॉजिट्स का एंड दैट इज कॉल्ड डेल्टा फॉर्मेशन। तो डेल्टा फॉर्मेशन में ये याद रखना है कि कोलोइडल पार्टिकल्स किस में हैं, रिवर में, इलेक्ट्रोलाइट्स किस में प्रेजेंट हैं, सी वाटर में, एंड देन कोएगुलेशन विल अकर। ऐसी एक इंपॉर्टेंट होता है कॉट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर, नोट करता जाओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले रहा हूं मैं। कॉट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर, जैसे जैसे कोई इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्रीज का जो एग्जॉस्ट होता है वो चिमनी के थ्रू बाहर जाता है, तो एग्जॉस्ट ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री आर लेट ऑफ थ्रू चिमनी एंड दिस स्मोक कॉजेज पॉल्यूशन, कौन सा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, भाई एग्जॉस्ट ऑफ फैक्ट्री जो भी एग्जॉस्ट है स्मोक के फॉर्म में, तो ये जो स्मोक है फैक्ट्री का इंडस्ट्री का इसको बाहर छोड़ दिया जाता है थ्रू द चिमनी एंड स्मोक कॉजेज एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन तो एकदम से अलाउड नहीं है, तो क्या करें, इन चिमनी कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर स्मोक प्रेसिपिटेटर इज फिटेड इन विच अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस causes charged smoke to get precipitated as ash, राख, कहते हैं ना चिमनी में राख निकलती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, शुगर इंडस्ट्री हो गई और भी इंडस्ट्रीज हो गई, राख निकलती है बहुत सारी, पावर प्लांट्स में राख निकलती है, तो वो यही तो है, ऐश मतलब राख। तो चिमनी के बिल्कुल एग्जॉस्ट में बाहर की तरफ, बिल्कुल जब बाहर निकलने वाला होता धुआं, कॉट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर फिट किया जाता है जिसमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो प्लेटें जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगी और स्मोक तो चार्ज पार्टिकल है, कोलोइडल पार्टिकल है, स्मोक इज कोलोइड, इस पर चार्ज है और वो चार्ज अपना न्यूट्रलाइज करेगा और प्रेसिपिटेट हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा और ऐश बनाएगा, ऐश नीचे इकट्ठा हो जाती है, वो कहीं ना कहीं किसी काम में आ जाती है। तो गाइस दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कॉट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर, मेडिसिन में यूज करते हैं, इन मेडिसिन, मेडिसिन में बहुत अच्छा यूज है, जैसे कई एप्लीकेशंस हैं, एलम इज यूज्ड टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को साफ करने में एलम काम में आता है, कोएगुलेट करवा देता है कई तरह की इंप्योरिटीज को। कोलोइडल गोल्ड इज यूज्ड फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, एनसीईआरटी पढ़ें जरूर, ये पॉइंट्स याद रखें। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और कभी भी जेई में आने वाला है, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन जेई मेन पूछता है इस टाइप के। कोलोइडल एंटीमनी
कोलॉइडल एंटीमनी इज यूज्ड टू क्योर कालाजार. कालाजार, काला ज्वर बोलते हैं इसको, ब्लैक फीवर, काला ज्वर, ब्लैक फीवर बोलते हैं इसको. बहुत ही फैटल सिचुएशन हो जाती है कालाजार जो है. तो कालाजार को ट्रीट करने में कोलॉइडल एंटीमनी इज यूज्ड. जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड. मेनली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड टू ट्रीट स्टमक डिसऑर्डर्स. तो गाइस ये थे कुछ एप्लीकेशंस एंड कोलॉइड्स अराउंड अस. एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, समझें बात को. मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें 99.9% चीजें मैं कवर कर चुका हूं, फिर भी 0.1% थ्योरेटिकल चीजों पर रह जाता है. एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है लाइन बाय लाइन. नोट करें सबको.